आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 616वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा तो चुनावी मोड में आ गई, पर कांग्रेस का मौन शायद अभी तक नहीं टूट रहा है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भारत को जोड़ रहे हैं, ये स्थिति है। लिमटी की लालटेन के 616वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस साल अप्रैल या मई में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर रण सज चुका है। रणभेरी कभी भी बच सकती है। सभी की नजरें निर्वाचन आयोग पर टिकी है कि कब चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। भाजपा से लेकर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, जिसे इंडी अलायंस भी कहा जा रहा है, के द्वारा चुनावी तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे हैं तो लालू यादव, अखिलेश यादव सहित अन्य नेता चुनावी सभाओं में व्यस्त नजर आ रहे हैं। पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस तरह सक्रिय नजर नहीं आ रहे जैसे आम चुनाव के एंड पहले कांग्रेस के अध्यक्ष को होना चाहिए, या कांग्रेस के स्टार प्रचारक सिर्फ राहुल गांधी हैं, ये बात भी फिजा में तैर रही है। भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर बाजी मार ली गई है। इधर कांग्रेस दो दिन बाद भी प्रत्याशियों की सूची तो छोड़िए, अभी गठबंधन दलों की सीट शेयरिंग पर सर जोड़े बैठी दिख रही है। होना तो ये चाहिए था कि सीटों के बंटवारे के मामले में कांग्रेस, चूंकि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर फरवरी के दूसरे पखवाड़े में ही सब कुछ तय कर कागज पर उसे ले लेना चाहिए था सीट शेयरिंग के बारे में, कि किस राज्य में कितनी सीट उसे गठबंधन को देनी, खुद के पास कितनी रखनी है। इससे उलट कांग्रेस के गठबंधन दल ही कांग्रेस को आंखें दिखाते प्रतीत हो रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अभी तक कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक नहीं हो पाई है। इधर 195 जारी भी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस कुछ मजबूर दिखी। उत्तर प्रदेश में 400 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 17 सीट, 400 में से सिर्फ 17 सीट, अर्थात 4.25% 4.25% सीट लेकर ही कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा है। इस बारे में राहुल गांधी सहित कांग्रेस के आला नेताओं को विचार करना होगा कि आखिर क्या वजह थी जिस प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोला करती थी, जिस प्रदेश से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, उस प्रदेश में महज 4.25% 4.25% सीटों को लेकर वो संतुष्ट हो गई, 400 में से 17। ये तब हुआ जब सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका वडेरा अपना पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश में केंद्रित किए हुए थे, और उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी वर्तमान में सांसद हैं और राहुल गांधी इसके पहले सांसद रहे हैं। ये बात अलहदा है कि सोनिया गांधी बाद में राज्यसभा से भी चयनित हो गई। निश्चित तौर पर स्थिति की इस तरह की स्थिति को देख कर खाटी खालिस कांग्रेसी नेताओं के मन में संताप होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को विचार करना होगा कि आखिर क्या वजहें हैं जिस कारण कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची है। कहीं राहुल गांधी की किचन कैबिनेट उनके सलाहकार ही तो उन्हें इस तरह के मशवरे नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस देखा जाए तो 2014 के बाद धीरे धीरे रसातल में आने लगी थी, बहुत तेजी से रसातल की ओर अग्रसर होती जा रही है। कहां पूरे देश पर कांग्रेस राज किया करती थी, केंद्र में कांग्रेस होती थी, राज्यों में कांग्रेस होती थी, आज 3 राज्यों में कांग्रेस सिमट कर रह गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लोकसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति है। इस बारे में विचार करना होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पुराने नेताओं। किसी भी नेताओं को चाहिए कि अगर उसे सफल होना चाहता है तो समय के साथ चले और जनता की नब्ज को पहचाने, जनता की नब्ज को थाम। हर काम का समय निर्धारित होता है, इसी तरह चुनाव के एन पहले जनता को रिझाने का उपक्रम बहुत तेजी से होना चाहिए। किसी ने सच कहा कि मनुष्य किसी सामान्य घटना या बात को बहुत ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाता।
अमेरिका के हास्य अभिनेता और लेखक स्वेट मार्टिन का कहना था कि उन्होंने कहा था अंग्रेजी में पब्लिक मेमोरीज शॉर्ट, उनकी बातों में दम प्रतीत होता है। हम अपने आसपास या देश विदेश की बड़ी घटनाओं को आखिर कितने दिन याद रख पाते हैं, कितने दिन उस पर चर्चा करते हैं। अब आप अगर कोविड को ही लीजिए तो कोरोना के बारे में महीने में एक आध बार ही आप चर्चा करते होंगे, वो भी उसकी विकरालता को लेकर। आप बहुत ज़्यादा उसमें बात नहीं करते होंगे, जबकि अभी 2 साल भी हुए हैं, कोविड दूर गया है, कुछ सालों में आप इसे भूल जाएंगे, आप इसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट सत्य है। कांग्रेस के आला नेता किस रास्ते पर इसे ले जा रहे हैं ये बात तो वे ही जाने, पर 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन अगर बेहतर नहीं रहा तो आने वाले सालों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2029 का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यही है कि 2024 की परीक्षा में कि 2024 की परीक्षा की तैयारी अगर 2029 को लक्ष्य लेकर की जाएगी तो क्या तर्कसंगत होगा? जाहिर है नहीं, क्योंकि 2029 का सिलेबस क्या होगा, परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल ही है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 2029 में जो युवा वोटर्स 2024 से 2029 के बीच जो वोटर्स बनेंगे वो किस मानसिकता के होंगे, युवा वोटर्स के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन क्या संकेत, किस तरीके के संकेत उनके मानस पटल पर अंकित करेगा, इस बारे में भी विचार करना होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों में 12 राज्यों का भ्रमण करने का कार्यक्रम बना चुके हैं, फिर तेलंगाना और तमिलनाडु में सभाएं कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछली बार 2019 में आम चुनाव जो हुए थे 2019 के, उसमें एक पंचलाइन दी थी, एक नारा दिया था कि मैं भी हूँ चौकीदार, हर भाजपाई की जवान पर ये नारा था। विपक्ष को इसकी के पास इसकी काट नहीं थी। अब नई पंचलाइन नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है कि मैं हूँ मोदी का परिवार। इसके बाद विपक्ष की रणनीति क्या होगी, पर इसमें ये तो विपक्ष जाने, पर धारा 370 जम्मू कश्मीर का मामला हो, राम मंदिर का मसला हो, हर मामले में नरेंद्र मोदी सरकार के कदमों से आम जनता का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है, पर विपक्ष की तैयारियां में कुछ कमी महसूस हो रही है। हालात देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में विपक्ष के द्वारा एक बार फिर ईवीएम को पुरानी फिल्मों में जिस तरीके से विलेन होते थे और अभी के विलेन हैं, उस तरीके से ईवीएम को विलेन के मानिंद जनता के समक्ष पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वरना विपक्ष की इस तरह मंथर गति से चुनावी तैयारियों की दूसरी वजह और क्या हो सकती थी, इस बारे में विपक्ष को विचार करना होगा। अभी समय है, कम समय बचा है, पर समय है, विचार करें, तैयारियां तेज करें। लिम्टी की लालटेन के 616वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिम्टी की लालटेन देखना हो तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ पर के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये खबरें लिम्टी की लालटेन आदि पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं और आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिम्टी की लालटेन का 617वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।